और सुखबीर जी चैलेंज करते हैं कि सुखबीर जी जे संयुक्त मोर्चे ने कोई कॉल देती तो पंजाब खड़ना औखा हो जाएगा। तुम इन रैलियों तो बाज आ जाओ, एक कला पंजाब किसी नहीं लुट के ले जाना। ये लग रहा सानू कि पंजाब का माहौल खराब करने के श्रोमणी अकाली दल और सुखबीर बादल का बड़ा हाथ होएगा। सानू इंज लग रहा कि बीजेपी के इशारे से तो नहीं कित कर रहे। अज साड़ी पंजाब दियां 32 जथेबंदियां दी मीटिंग हुई है और इस मीटिंग दे विच जो सरदार सुखबीर सिंह बादल होना ने कल मोगे विच रैली रखी हुई सी, उस रैली दे विच जो SOI वालों उत्थे किसानां दे नाल बसनुकी कीती और इट बट्टे चलाए, उहदी सख्त शब्दां च निंदा कीती है 32 जथेबंदियां ने। और एक जिहड़ा सुखबीर जी का बयान होना कि असी इशारा करांगे तो ये लभणगे भी नहीं, उहदी भी सख्त शब्दां च निंदा करते हैं और सुखबीर जी नूं चैलेंज करते हैं कि सुखबीर जी जे संयुक्त मोर्चे ने कोई कॉल देती तो पंजाब च खड़ना औखा हो जाएगा तुहानूं। इस करके इन्हां रैलियां तो बाज आ जाओ, एक कला पंजाब तुसीं ही नहीं लुट के लै जाणा। इस इरादे नाल कि असी सानूं इंज लग रहा कि BJP दे इशारे ते तां नहीं कितें कर रहे, ये जिहड़ियां तुसीं रैलियां शुरू कर दित्तियां ने। सो इस करके उन्हां नूं ताड़ना करदे हां, ये रैलियां बिल्कुल बंद कर दिओ। जदों इलैक्शन कमीशन वालों इलैक्शन अनाउंस हो जाएगी फिर कोई रैलियां कर लैन, उस तो पहला जे कोई रैलियां करते हैं तो फिर ये लग रहा सानू कि पंजाब का माहौल खराब करने के श्रोमणी अकाली दल और सुखबीर बादल का बड़ा हाथ होएगा। सो ये जिहड़ियां भी कल मैं सुखबीर बादल उन्होंने नहीं कहता, जिहड़ियां भी राजनीतिक पार्टियां चाहे कांग्रेस होवे चाहे अकाली दल होवे चाहे आम आदमी होवे कोई भी पार्टी होवे, जिहड़ियां पंजाब दे विच रैलियां करनगे पंजाब दा माहौल खराब करने की कोशिश करनगे, इलैक्शन अनाउंस होने तो पहला कोई भी रैली ना की जाए। सैकेंड जिहड़ा हरियाणे वाले साथियों ते तशद्दुद किया हरियाणा गौरमेंट ने करनाल दे विच, उहदी भी सख्त शब्दां च निंदा करते हैं और असीं 32 जथेबंदियां ने मिलकर फैसला लिया है कि जदों साडे हरियाणे वीर जिहड़ी हरियाणे वाले वीर सानूं कॉल देणगे उस कॉल दे विच असीं उन्हां दे नाल बिल्कुल दीवार बन के खड़े होवांगे। पूरे पंजाब दे 32 दे 32 आगुआं ने फैसला किया। सो असीं हरियाणे वाले वीरां नूं इह वार वार यकीन दिवाउंदे हां कि जेकर हरियाणा सरकार दे खिलाफ कोई भी तुसीं एक्शन करोगे प्लैन तो असीं उस एक्शन दे विच मोहरे होकर तुहाडे नाल चलांगे। पंजाब दे 32 जिहड़े 32 जथेबंदियां ने उन्हां ने फैसला लिया। इस जिहड़ा दिल्ली दे विरोधां ते अंदोलन चल रहा इहनूं 10वां महीना हो गया जी, पंजाब चलदे नूं लगभग 1.25 साल हो गया, 16वां महीना चलता। असी जिहड़ी सियासी पार्टियां हाले इलैक्शन ऐलान भी नहीं हुई पंजाब दे विच, हाले चोण कमिश्नर ने परसों ही कहा कि जे EVM ना पहुंचियां तो मैं असमर्थ हां इलैक्शन कराउण तों, सरकार की सोचदी की नहीं सोचदी। पर अजीब गल इह आ कि जिस वेले टोटल किसानी ते मजदूरां ते छोटे दुकानदारां छोटे कारखानेदारां ते कंज्यूमर ते जिन्हें खपतकार आ उन्हां ते ते इहदे नाल इन्हां कानूनां दे नाल बेरोजगारी विच वी वाधा होना, उहदे लई जिहड़ा मोर्चा लोक अंदोलन दे तौर ते चल रहा, साडा सारिआं दा ध्यान इह आ कि जे इह कानून लागू हो गया तो वोटां विच्चों चोणां सरकारां बदल के की लवांगे असीं। इह पहिलां सब तों साडी नसलां फसलां दी जिहड़ी आ आउण वाले भविख दी लड़ाई आ, पहलां इहदे वास्ते लड़िया जावे। असीं सारियां पार्टियां नूं पहलां अपील कर चुके हाँ कि जिन्ना चिर तक इलैक्शनां दा ऐलान नहीं हुंदा उन्ना चिर तक वो अपनी कॉर्नर मीटिंगां कर लैण, इनडोर मीटिंगां कर लैण, खुल्लियां वड्डियां वड्डियां रैलियां करके भाईचारक वंड पाउणी, पिंडां विच लोकां दे आपसी पाड़े पाउणे, कांग्रेसी अकाली आप दे नाँ ते जां कम्युनिस्ट नाँ ते वंड पाउणी, उह इस मोर्चे दा नुकसान पहुँचदा। इस नाल असीं अज वी उहनां नूं जिहड़ियां मल्लो मल्ली बहुते काहले पए आ कि शायद किसान अंदोलन के विचों कोई नवी पार्टी ना निकल आवे, नट भज पई आ काली पई आ, असी बड़ा दलील ना दस चुके हाँ कि साडा किसानां दा अंदोलन किसानी मंगां लई आ, जिहड़ियां मंगां लोकां नाल संबंधित आ, जिहड़ियां मंगां खपतकारां नाल संबंधित आ, जिहड़ियां मंगियां दे नाल आम लोकां ने भी साडी बहुत वड्डी सहायता दित्ती आ, इंटरनेशनल पद्धर ते मदद होई आ। दुनिया भर का सब तो लंबा विशाल ते शांतमई अंदोलन हो निबड़िया है जिहड़ी हर पक्ष तों हमायत हुंदी आ। उन्हां नूं अज फिर असीं कहा
ਵੀ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਸਓਆਈ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਗਰਮ ਖੂਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਗੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਲਟਾ ਐਸਓਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਟ ਵੱਟੇ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ 18 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ 8 ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲਾਮਸਾਰ ਰੈਲੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਮਸਾਰ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਜਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ